In the previous lecture, we have already discussed about the various classification of lipids. So, proceeding forward, now we will discuss about the various classification जो हमने classification की थी. Simple lipids की, simple lipids होते हैं, compound होते हैं और derived complex lipid and derived lipids हैं. उसमें जो जो कंपाउंड है जैसे फैट्स है, फैटी एसिड्स है, लिपिड्स के बारे में जो वैक्सीन है, ऑयल्स है, उसके बारे में वन बाय वन करके हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फैट्स, फैट्स और ऑयल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. हमारा टॉपिक है फैट्स एंड ऑयल्स. फैट्स और ऑयल्स, फैट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो फैट्स होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, फैट्स आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ये क्या होता है, जब आपको इंट्रोडक्शन में करवाया था तब मैंने बताया था फैट्स क्या होते हैं. जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे उसमें सिंपल जो लिपिड्स होते हैं उसको टू क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है. सिंपल लिपिड्स को That is simple lipids. इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एक तो फैट्स एंड ऑयल्स, नेक्स्ट जो है हमारी दैट इज वैक्सेस. नर्वस टिश्यू
So these are the source, or you can say that occurrence of fats. Fats कहाँ का? Animal source की, plant source की बात करें तो हम किससे? Nut से, seed से and oil से fat को obtain कर सकते हैं. अगर हम animals की बात करें तो ये कहाँ का present होता है? In subcutaneous tissue, in nervous tissue and in liver, यहाँ पे present होता है. अब next जो हमारा रहता है, that is structure of fats. CH O C O R 2 then C
CH2OCOR3. So this is the structure of triglyceride, or you can say that fats. Triglyceride. तो हम स्ट्रक्चर के बेस पे कह सकते हैं कि जो फैट्स है वो क्या ट्राइग्लिसराइड है. एक्चुअली में ट्राइग्लिसराइड है जो किससे बना है, फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल का, एंड थ्री मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड. ये स्ट्रक्चर आपको मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि जो फैटी एसिड है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है. तो एक कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके साथ अटैच, तो इसमें से वाटर की रिमूवल हो जाएगी क्योंकि थ्री मॉलिक्यूल्स है. तो थ्री मॉलिक्यूल्स वाटर के रिमूव हो गए, कंडेंसेशन प्रोडक्ट में कंडेंस हो गए, क्या करेंगे ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन करेंगे. नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है अब हम देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकली कैसा होता है. सो नेक्स्ट हेडिंग इज फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स. अब हम बात करें इसकी फिजिकली ये कैसा है. आपको डेफिनेशन में बताया था, ये डिफाइन किया था कि जो लिपिड्स हैं वो ऑयल्स होते हैं, ये सोल्युबलाइज नहीं होते. तो सबसे पहले इनसोल्युबल इन वॉटर, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इनसोल्युबल इन वॉटर, वॉटर में इनसॉल्युबल होता है. सेकेंड है सोल्युबलाइज किसमें होता है, इट इज सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर, क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दीज आर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसमें ये सॉल्युबलाइज हो जाता है. नेक्स्ट क्या है, इसका जो टेस्ट होता है, कोई टेस्ट नहीं होता, ये टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस. ना इसका कोई टेस्ट होता है कोई प्रॉपर, ना इसका कोई कलर होता है और ऑर्डरलेस होता है. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसमें कम होता है, बहुत लो होता है. और इसमें क्या होता है, ये इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो बहुत लो होती है, जिसके कारण जब भी आप ऑयल को वाटर के साथ मिक्स करोगे, ड्यू टू लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल, वो क्या करता है, स्प्रेड हो जाता है ओवर द सर्फेस ऑफ द वॉटर, उसके जो सर्फेस के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, इट मीन्स फ्लोट करता है. इसीलिए फ्लोट करता है ड्यू टू लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसमें जिसके कारण क्या होता है, फ्लोट ऑन वाटर, इसी के कारण ये वाटर में सोल्युबलाइज नहीं होता, उसमें फ्लोट करता है, इट मीन्स उसमें स्प्रेड हो जाता है. ठीक है, तो एक इसकी ये भी प्रॉपर्टी है कि जो एक ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, गुड सॉल्वेंट फॉर द फैट्स एंड फैटी एसिड, फैट्स और फैटी एसिड के लिए बहुत अच्छा सॉल्वेंट है. सो दिस इज अबाउट द, हमने फैट्स के बारे में पढ़ा, जनरल इंट्रोडक्शन की, एस्टर है इसका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का. फिर हम इसके सोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि प्लांट से भी हम फैट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, एनिमल से भी. तो अगर प्लांट सोर्स की बात करें तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय नट्स, सीड्स एंड ऑयल्स, इसमें प्रेजेंट होता है. एनिमल्स में सबकुटेनियस टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड लिवर, नर्वस टिश्यू एंड लिवर इसमें प्रेजेंट होता है. उसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ फैट, तो हमने किया था कि इसमें
ट्राइग्लिसराइड मींस फैट का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमने इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है, अब हम इसके बारे में जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज द जो रिएक्शन है इससे ट्राइग्लिसराइड यानी फैट्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे हम, केमिकली किसके साथ किस तरह उसके रिएक्टेंट के साथ ये न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, कौन कौन से रिएक्टेंट है जिसको ये रिस्पॉन्स करता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज हाइड्रोलिसिस करता है ये, हाइड्रोलिसिस। अब इसकी जो हाइड्रोलिसिस होती है, जो भी फैट होता है इट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड से हाइड्रोलाइज होता है, अल्कली से, स्टीम से, या कुछ एंजाइम होते हैं जैसे लाइपेसिस एंजाइम, इससे इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है। पहले हम इसका फैट से उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, CH2। अभी स्ट्रक्चर बनाया था CH2, उसके बाद O, COR1। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा इसका COR1 CHO COR2 CH2 O COR3। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फैट। फैट्स की स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोलाइज किसकी हेल्प से होता है, इट इज हाइड्रोलाइज बाय स्टीम से, यानी वाटर का इन्वॉल्वमेंट है, एसिड से, अल्कली से, और कभी कभी इसमें एंजाइम्स भी यूज होते हैं, दैट इज लाइपेज से भी हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो इसको हाइड्रोलाइज करके इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, देन जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा दैट इज ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर CH2 CH2 CH CH2। अब इसमें हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन करेंगे, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। और क्या इसमें 3+3 आर सी ओ ओ एच। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनेगा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड आ जाएंगे, फैटी एसिड। तो इसमें आपने देखा कि ये जो हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इसकी, हाइट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एसिड, अल्कलीज, स्टीम और एंजाइम। एंजाइम कौन सा यूज होता है इसमें, लाइपेसिस। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फैट। फैट की स्ट्रक्चर है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो इसमें जो लिंकेज है वो किस पे हो रही है, ईस्टर ग्रुप, क्योंकि ये क्या है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो ईस्टर ग्रुप के ऊपर इसमें लिंकेज हो रही है। ये तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी, दैट इज हाइड्रोलिसिस। उसके बाद जो सेकेंड रिएक्शन है दैट इज स्पोनिफिकेशन। सेकेंड इज स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन में क्या होता है, जो फैट है हमारा, फैट हाइड्रोलाइज होएगा बाय द अल्कली। अल्कली से हाइड्रोलाइज होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है इसको क्या कहा जाता है, स्पोनिफिकेशन। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये फैट है, फैट इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है बाय अल्कली।
हाइड्रोलाइज बाय हाइड्रोलिसिस बाय अल्कली। जब इसको अल्कली से हाइड्रोलाइज किया तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा दैट प्रोसेस इज नोन एज पोनिफिकेशन। अब इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो क्या ऑब्टेन होगा हमें, ग्लिसरॉल। ऐड करने पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज इसमें जो डबल बॉन्ड होगा
डबल बॉन्ड सी एच, जब इसमें ऐड हो गया, ये रिएक्शन थी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। अब इसमें ऐड होने के बाद दो, चाहे वो आप आइटिंग करो ऐड, चाहे ब्रोमीन ऐड करो, अब उसके बाद इसकी ब्रेकेज होगी, ये क्या होगा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या प्रोडक्ट देगा ये CHI, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम हैलोजिनेशन करेंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें हमने ऐड किया, इसको इसमें ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या बना, हमें ये प्रोडक्ट मिला। इसमें जो डबल बॉन्ड थे वो ब्रेकअप हो गए। सो दिस इज द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन हैलोजिनेशन। आफ्टर दैट रेंसिडिटी, जो फोर्थ वन है दैट इज रेंसिडिटी। क्या होता है, जब भी जो नेचुरल फैट है उसकी कंटेमिनेशन हो जाती है। कंटेमिनेशन किससे हो रही है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, मॉइस्चर से, या फिर हीट से, किसी से भी उसकी क्या होती है कंटेमिनेशन हो जाने पर उसमें कुछ फैट्स तो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, लेकिन कुछ फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसके कारण उसका टेस्ट, उसका कलर, हर चीज चेंज हो जाती है, उसका ऑर्डर अनप्लीजेंट हो जाता है, उसका टेस्ट भी अनप्लीजेंट हो जाता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं। तो इसको करेक्ट, इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं कि जब नेचुरली अकरिंग जो फैट है वो क्या हो रहा है, उसको कंटेमिनेशन हो रही है ड्यू टू टेम्परेचर के कारण, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण, एंजाइम के कारण, मॉइस्चर के कारण, तो उसमें कुछ फैट्स तो हाइड्रोलाइज हो रहे हैं पार्शियली, और कुछ फैट्स क्या हो रहे हैं ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जिसके कारण जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्ट की परऑक्साइड का प्रोडक्ट बनाएगा, परऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा, और उसमें जो उसका टेस्ट है, ऑर्डर है, वो अनप्लीजेंट हो जाएगा। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है, मोस्टली विटामिन ई यूज किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द फैट्स। हमने फैट्स के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं फैट्स, उसका सोर्स, अकरेंस, किस किस में प्रेजेंट होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, और कुछ केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस करता है, स्पोनिफिकेशन, हाइड्रोजिनेशन, हैलोजिनेशन एंड रेंसिडिटी। उसके बाद इसमें कुछ केमिकल करेक्टर्स आ जाते हैं, केमिकल कॉन्स्टेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड